एवरीवन, आई एम डॉक्टर वर्षा मूलचंदानी और मेरा क्लिनिक है पंचवट नगर ओझर में। थोड़े हफ्तों पहले हमने हेल्थ चेकअप किया था दियान यूनिवर्सल स्कूल में। उसी दौरान हमने बहुत सारी बच्चों को नोटिस किया, बहुत सारे बच्चों में ना डेफिशिएंसी साइंस है। अब ये डेफिशिएंसी साइंस क्या थे? डेफिशिएंसी साइंस मतलब विटामिन्स और मिनरल्स की कमतरताएँ। वो हमने बच्चों के नेल्स देखे, यहाँ की जो स्किन थी, यहाँ के स्किन के बहुत सारे ऐसे छिलके निकल रहे थे नेल्स के जस्ट नीचे यहाँ पे। तो ये जो छिलके निकल रहे हैं, नकल्स किसी के थोड़े से काले काले पड़ रहे थे, नेल्स में किसी के ऐसे वाइट पैचेस दिख रहे थे, स्किन पे वाइट पैचेस थे। तो ये सारे डेफिशिएंसी साइंस है, विटामिन्स मिनरल्स कैल्शियम की कमतरता के कारण ये सब होता है। अब इन्हें कवर अप कैसे करें? एक तो आप मेडिसिंस पे शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि मैं ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगी। बच्चे छोटे हैं, जितना आप उनके खान पान पर ध्यान देंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। मेडिसिन ज़रूरी है, पर कब? जब एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों में बहुत ज़्यादा स्केलिंग है, बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस है, स्किन बिल्कुल ही ख़राब हो रही है, तब आप डॉक्टर का सलाह ले लें, नो प्रॉब्लम। बट उसके पहले आप डाइटरी चेंजेस करें, खान पान में चेंजेस करें। अब खान पान में चेंजेस क्या करें? सुबह बच्चों को सबसे पहली बात, एक जब उठते हैं तो ब्रश किए या बिना ब्रश किए, आप उन्हें एक ग्लास थोड़ा सा कुनकुना गर्म पानी दें। नहीं पीते हैं, आई नो बहुत सारे बच्चे। जब ना पिए तब उनको सादा हांडे का तो भी पानी एक ग्लास पिला दें। अगर एक ग्लास छोटे बच्चे हैं, कभी कभी नहीं प्रेफर करते, तो आधा ग्लास ही सही, पर उन्हें पीना है। और उसके बाद फिर आप रात को ही ना आमंड्स, बादाम, रात को एक बच्चे के लिए 5 बादाम तो भी भिगो के रख दे रात को ही। सुबह उठ के उसके छिलके निकाले और वो वाइट पोर्शन अपने बच्चों को खाने के लिए दे दे। और उसके बाद उसके साथ आप दूसरे नट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे अखरोट हो गया, ये काजू हो गया, अंजीर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ईजिली आप वो ऐड कर सकते हो। या फिर अगर कोई सीजनल फ्रूट अवेलेबल है तो आप सीजनल फ्रूट खिला दो नट्स के बजाय बच्चों को, चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ग्लास का एक दूध पिला दो। इतना खाने के बाद फिर भी अगर बच्चा टाइम है, भूख लगती है, तो आप उसे एक रोटी के साथ या फिर एक पराठा कुछ तो भी मॉर्निंग में दे दो कि वो खा ले, खा के फिर स्कूल जाए। एंड अगर इतने में भी अगर नट्स और दूध एक ग्लास पी के बच्चा फुल हो जाता है तो उसे ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें खाने के लिए, छोड़ दें। इतना भी खाया सफिशिएंट है, क्योंकि स्कूल में भी उनका लंच ब्रेक होता है, तब बच्चे खा लेते हैं अच्छे से। उसके बाद टिफ़िन में भी प्रेफरेबली आप हेल्दी फूड दें, सब्जी रोटी या अच्छा सा कुछ, रोटी या चावल भी थोड़ा सा दे दिया, खिचड़ी वगैरह वो भी चलेगा, है ना। बट आप हेल्दी डाइट को ही थोड़ा सा स्टिक करें। और घर पे आने के बाद दोपहर को, जैसे छोटे बच्चे हैं 1 बजे तक छूट जाते हैं, तो तभी उन्हें भी घर आने के बाद थोड़ा सा अगर खाएं तो ठीक है, वरना उसको थोड़ा सा आराम करने दें। 1.5 घंटे बाद वो फिर से उनको भूख लगेगी तब दे दें। जो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स के बच्चे हैं, उनका स्कूल 2:30 को छूटता है, और हम प्रेफरेबली अभी 2:30 को बच्चे आएंगे तो ऑब्वियसली हम उन्हें थोड़ा सा हैवी लंच देते हैं मदर्स। तो अगर वो हैवी लंच ऑलरेडी स्कूल से खा के आए हैं, तो अगर घर पे आके यू आस्क देम कि भूख लगी है तो खाओ, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। अगर भूख लगी है तो बच्चे हाँ बोलेंगे, आप उन्हें प्रॉपरली लंच प्रोवाइड करें। और नहीं खा रहे, नो प्रॉब्लम, आप 1-1.5 घंटा रुक जाएं, 4 o'clock तक उनको आप भूख लग ही जाती है, तब आप उन्हें प्रॉपरली खाना दे दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम अपने खाने में ना रोटी या सब्जी, और रोटी या फिर चावल सब्जी के साथ, दाल के साथ यही चीज़ें खाते हैं, बट आप रोटी को सिर्फ गेहूं की रोटी ना दें, गेहूं की रोटी के साथ आप दूसरी जैसे नागली की हो गया, बाजरी, ज्वारी, ये सारे ग्रेन्स हैं, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, आप उन्हें भी प्रेफर करें। जैसे और नागली इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो आप नागली की भाकरी, ज्वारी की भाकरी, ये भी सारी चीज़ें बच्चों को खाने की आदत डालें। बहुत सारे बच्चे नखरे करेंगे, आई नो, तब उसके लिए आप क्या करें, अपना गेहूं के आटे में कोई भी एक नागली मिक्स कर दें, कभी ज्वारी कभी बाजरी, ये मिक्स करके रोटी बना के उनको टिफ़िन में दे दें, या फिर घर आने के बाद वो उनको खाने को दें, राइट, सब्जी के साथ। और सब्जी भी बच्चे ने अच्छे क्वांटिटी में खानी चाहिए, उसका ध्यान रखें, राइट।
और शाम के टाइम पे जैसे घर पे बच्चे खाना घर पे खाते हैं, तब आप उनको खाने के साथ सैलेड दें, या फिर बीच में जब उनको कभी भूख लगती है तब आप उनको सैलेड्स या फ्रूट्स प्रोवाइड करें, रादर देन बिस्किट्स या फिर कुछ चॉकलेट्स। इसके बजाय आप उनको सैलेड्स और फ्रूट्स खाने की आदत लगाएं, सो डेफिशिएंसी साइंस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएंगे। और उनका सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर वो सैलेड्स वगैरह अच्छे से खाते हैं, जैसे काकड़ी, टमाटर, पत्ता गोभी, ये सब कच्चा खाते हैं, तो उनका पेट साफ भी बहुत अच्छे से होता है और उनको गैस की भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और रात को आप प्रॉपरली उन्हें जो लंच है वो खिलाएं, बट हमेशा ये ध्यान रखें खाने और सोने के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए जो आप मेंटेन करें। अगर आपके बच्चे का डाइट आप अच्छा सा इम्प्रूव करते हो तो उनका इम्यूनिटी भी अच्छा हो जाएगा, डेफिशिएंसी साइंस भी कम हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारा चीज़ था डाइट का, अबाउट रेजिंग योर इम्यूनिटी एंड ऑल्सो हाउ टू कॉम्बैट डेफिशिएंसी साइंस। ठीक है, दूसरी बात आती है हाइजीन पे। बहुत सारे बच्चों का ना स्किन बहुत ऐसे ड्राई था, बच्चों के बाल थोड़े से रफ थे, तो आप बालों में ना प्रेफरेबली बहुत अच्छा सा वर्जिन या फिर अनअडल्टरेटेड कोकोनट ऑयल यूज़ करें, नेचुरल जो आता है कोकोनट ऑयल वो यूज़ करें, वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। और रोज़ उसे प्रॉपरली कॉम करके फिर स्कूल भेज दें, और स्किन पे मॉइस्चराइजिंग, फेस पे कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करें, है ना। और बॉडी पे भी बॉडी लोशन लगाना प्रेफर करें, सो दैट बच्चों के ना स्किन ड्राई नहीं हो, क्योंकि ओजर नासिक एरिया में बहुत सारे बच्चे ठंड ज़्यादा रहती है अधिकतर, कुछ 2-3 महीनों को छोड़ दिया तो बाकी टाइम ठंडा ही रहता है क्लाइमेट, जिसकी वजह से स्किन ड्राइनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ड्राई स्किन फिर इचिंग हो जाती है, फिर वाइट वाइट से ऐसे पैचेस दिखते हैं, है ना। उसके वजह से फिर और ड्राइनेस हो जाके स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब ना हो इसके लिए जस्ट बेसिक प्रिकॉशंस है, आप ये बिल्कुल यूज़ करें। और ये सारा हो गया हमारे डाइट एंड हाइजीन पार्ट का। द लास्ट थिंग दैट वी ऑब्जर्व इन मेनी किड्स वॉज डेंटल केरीज। बहुत सारे बच्चों में दांतों में कीड़ लगी हुई थी। जिन भी बच्चों के दांतों के कीड़ लगी है वो आप प्लीज़ जल्द से जल्द डेंटिस्ट को दिखाएं और उसे ठीक करवा लें सारी प्रॉब्लम्स को। आप एक छोटा सा भी एक डॉट भी देखें ना दांतों पे काला, तो उसे पहले साफ करें। नहीं साफ हो रहा है इसका मतलब दांतों को कीड़ लग रही है, केरीज हो रहे हैं, तो आप उसे तुरंत डेंटिस्ट को दिखाएं। आप वेट ना करें कि वो बड़े फिर जाएंगे, उसका वेट ना करें, बहुत दर्द होता है। डेंटल प्रोसीजर्स आर नॉट ईजी, या रूट कैनाल या फिर एक्सट्रैक्शन, बहुत हेडेक हो जाता है, हम बड़े नहीं सहन कर पाते तो बच्चे क्या सहन करेंगे। आप जितना जल्दी हो सके दांतों का ध्यान रखें, उन्हें दिन में 2 बार ब्रश कराएं, जिनको नहीं है वो भी ध्यान रखें कि आप बच्चों को दिन में सुबह और रात को भी सोने से पहले ब्रश प्रॉपरली करवाएं, गार्गलिंग प्रॉपरली करवाएं, उनका ओरल हाइजीन बहुत अच्छा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रश अप करने के बाद टंग क्लीन ज़रूर करें, वरना वो टंग में से भी बहुत स्मेल आता है किसी बच्चों के, वो आप टंग क्लीन भी प्रॉपरली करें। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट ओरल हाइजीन। आप प्लीज़ इस अकॉर्डिंगली सारा बच्चों को ध्यान रखें, एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ और भी आपको कुछ पूछना है, आप डेफिनेटली हमें वापस से पूछ सकते हो। आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें एंड अपने बच्चों को डेफिनेटली और हेल्दी बना दें। ओके, थैंक यू।